Me after India won the series. Oh, bhai, 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 bhai. फाड़ू लग रहा फाड़ू बिल्डर क्या बात है बहुत हार्ड वेलकम वेलकम देशवासियों फिर कैसा क्या लगा मैच देख के कैसा What? लगा इंडिया जीत रस्ती फील हो रहा है यार बहुत टाइम बाद एक हफ्ता हो गया बहुत टाइम बाद कर रहे हैं but it's good to be back yeah मेरा प्रेडिक्शन राइट हुआ देखा 3-2 बोला था ना मैंने 4-1 जीतते रहे 4-1 जीतते अपना बहुत हो गया ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था इतना तो नहीं भाई अरे प्लेइंग 11 अपना थोड़ा स्टार्टिंग से अगर गुड़िया खेलता ना तो मेरे को लगता है स्कोर लाइन बहुत सही रहता बट क्या अच्छा भी हुआ ना टेस्ट भी हो गया ना प्लेयर्स मतलब सीरीज भी जीत गए और सब प्लेयर्स थोड़ा बहुत चांस तो मिल गया बट उन लोग तो स्टार्टिंग से सेम टीम से खेल रहे थे ना मैं वो बोल रहा हूँ तो उन लोग के इसके लिए 3-2 अगर उन लोग भी थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करते ना तो थोड़ा होता 4-1 मेरे को लगता है कि अपना बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है उनका मैंने पहले बोला था तेरे को कि बैटिंग बॉलिंग डेप्थ नहीं उन लोग का मतलब बहुत पढ़ सकती है उनको उन लोग का प्लान अच्छा था मतलब ये बोर्ड और आर्चर ने बहुत सही बॉलिंग था मतलब पेस से अपने को हैरान कर दी तो मैच वो बट क्या ही मारा है पूरा तोड़फोड़ कल टपा टप मारा है स्टार्टिंग बट तुम्हें सरप्राइजिंग उनका इतना स्ट्रॉन्ग टीम था फिर भी हम टीम चेंज करके भी जीत गए सीरीज मेरे को एक पॉइंट पे लगा था 3-2 उन लोग भी जीत सकते हैं क्योंकि उन लोग सेम टीम से खेल रहे थे ये बेंच स्ट्रेंथ उन लोग इतना टेस्ट नहीं किए ये सीरीज में जो कि चांस था उनको करने का जैसे मोइन अली को उन लोग खिला सकते थे इंस्टेड ऑफ आदिल रशीद सॉरी ये जॉर्डन क्रिस जॉर्डन के जगह पे खिला सकते थे बट उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट ही नहीं किया कुछ अरे मोइन अली को ड्रिंक्स के लिए ब्रेक दिया तो ड्रिंक्स देखो उसको ये किया ब्रेक दिया सेकंड टेस्ट के बाद और फिर आया ही नहीं आया क्या पता क्या चल रहा बट मेरे को इतना मैं तेरे को स्टार्टिंग में बोला था मैंने आई थॉट दैट दे आर लाइनअप वाज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दे लुक लाइक मतलब उन लोगों का बैटिंग ऑर्डर भी मेरे को इतना मजा नहीं आया मतलब पता नहीं क्यों मजा नहीं आ रहा था ऐसा पहली बार ऐसा कोई टीम में देखा कि बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स ही आ रहे मतलब तो ये सीरीज के बाद समझा मुझे स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग लग रहा था उनका बैटिंग लाइनअप बट जब हमने तूने बोला कि सिर्फ ऑन पेपर है बट जब चेजिंग का टाइम प्रेशर हैंडल करने सिचुएशन रहता तो उन लोग इतने उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं है प्रेशर में खेलने का जितने इंडियन यंगस्टर्स के पास है बिकॉज इंडियन यंगस्टर्स कितना आईपीएल खेलते हैं फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो उन लोग को अंडर प्रेशर खेलने का आदत होता है तो मुझे नहीं लगता उन लोग के पास वो है एबिलिटी टू प्ले अंडर प्रेशर तो भले उनका बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है बट जब हाई टोटल ये चेस करने का बारी आता है तो मुझे नहीं लगता है उन लोग क्या कर पाएंगे हाँ और प्रेशर में दे वुड कोलैप्स एग्जैक्टली और उन लोग के बॉलिंग कार्ड्स मतलब वो जो रहते हैं ना कि मेरे पास ये ट्रम्प कार्ड है मैं अगर ये गया तो मैं इसको लूंगा तो वो उनके पास वो था ही नहीं मतलब पहले दो मैचेस अच्छा उन लोग ने अच्छा किए पहले तीन मैचेस अच्छा खेले बट उसके बाद फिर वो लोग एग्जॉस्ट हो गए उनके पास ऑप्शंस ही मतलब बहुत फिर ऐसा हो गया कि प्रेडिक्टेबल हो गए तो मेरे को मैं जब स्टार्टिंग में बोला था ना कि बॉलिंग डेप्थ में उनके पास वो ये रीजन था कि मुझे ऐसा लगा कि 5 मैच में किसको और ले सकते तो कोई है ही नहीं उन लोगों का ऑप्शन उसके बाद मार्क वुड और आर्चर के बाद कौन है किसको लेगे तो आई थिंक रीस्टॉपली था जो ट्राई कर सकते थे उन लोग तो मेरे को मतलब ऐसा था कि अपने पास कितने ऑप्शन है भुवनेश्वर कुमार है यशवेंद्र चहल है फिर और कितने सारे ऑप्शन थे मतलब अपने चहल को बिठा के भी अपना मतलब बॉलिंग डेप्थ इतना मस्त था तो मुझे वो एक लगा कि वो लॉजिक के हिसाब से मैं 4-1 सोचा था और हो भी सकता था 4-1 टू बी ऑनेस्ट वो टॉस जीते रहते एक दो टॉस तो भाई भी हवा नहीं करवाना पड़ेगा मैंने तो फिर मुझे लगता है भेजना पड़ेगा मुझे लगता है टॉस के टाइम तो शोले का कॉइन यूज करना चाहिए कि भले 50% चांस है अगर दूसरा बोला तो ये जीत तो जाएगा कोहली क्या है मतलब
रोहित शर्मा के कुछ तो जो हर बार या फिर तू टॉस मत उड़ा रेफरी को दे कुछ तो ये करता है हर जाते है टॉस बोल रहा ना बारवा प्लेयर लेना पड़ेगा टॉस के लिए टॉस स्पेशलिस्ट बट अच्छा टॉस हर के भी मैच जीत रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव है ऐसा नहीं कि हम डिपेंडेंट है चेजिंग ही करेंगे तो बता दिया हमने एक्सपर्ट्स को कि सिर्फ चेजिंग में नहीं जीत सकते फर्स्ट बैटिंग करके जीत सकते वी कैन आल्सो डिफेंड टोटल एग्जैक्टली हां देयर वाज वन गाय हु वाज सेइंग दैट एंड आई रिप्लाइड टू हिम वी रिप्लाइड टू हिम प्रॉपर्ली ही सेड दैट द बेस्ट बैटर विल ओनली विन द मैच इन इंडिया Keep finding excuses. Pitch गया, अभी टॉस पे है, अभी पता नहीं क्या और excuse रहेगा इनका. टॉस तो excuse है भी नहीं, क्योंकि उन लोग सब टॉस जीते, तो अभी उनके पास कुछ बचा ही नहीं था. तो भाई साहब फिर आ गए मुंबई इंडियंस पे. मुंबई इंडियंस का टॉपिक निकल के बैठे. उनको कुछ ना कुछ वो बोलते ना मसाला चाहिए रहता है. ये बात तो मुंबई इंडियंस इंडिया का पार्ट है, बराबर है कि नहीं इंडिया का. हम तो पाकिस्तान के बांग्लादेश के प्लेयर खिलाते नहीं हमारी टीम. तो ये मुझे समझ में आता है मुंबई इंडियंस का जो ये लोग लेके बैठे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है. क्योंकि पहली बात तो वो बोलते हैं मुंबई इंडियंस इज द बेस्ट टीम. करेक्ट, मुंबई इंडियंस इज द बेस्ट टीम बिकॉज देयर इज नो इंग्लैंड प्लेयर इन देयर साइड. कोई है क्या इंग्लैंड प्लेयर? कोई नहीं है. जॉस बटलर था और जॉस बटलर टॉप ऑफ द ऑर्डर इसके लिए खेल रहा है क्योंकि मुंबई इंडियंस ने उसको टॉप ऑफ द ऑर्डर खेला है. फिर वहां से उनको आइडिया है कि हाँ जॉस बटलर भी खेल सकता है. तो मुंबई इंडियंस अब नेक्स्ट टाइम बोलना नहीं भाई उसको बोलना. हम रिलीजन के कॉलम में बोल्ड में इंडियन लिखते हैं इंडियन. तो ये जो प्लेयर्स है जो मुंबई इंडियंस खेल रहे तो दे आर फर्स्ट इंडियंस और बाद में उसके वजह से मुंबई इंडियंस में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. सो ये क्या लगा के रखा है मुंबई इंडियन मुंबई पल्टन मेजोरिटी में रहना चाहिए. मुंबई पल्टन बेटर टीम देन इंडिया. ऑल्सो मुंबई इंडियंस मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह वॉज नॉट देयर इन द टीम. तो कैसे बोल सकते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम में. और बहुत अच्छा लगा कि भुवनेश्वर ने लीड किया अटैक और उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी बताया एज अ सीनियर. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था यार उसका ये सीरीज में. इनफैक्ट हां इट वाज लाइक अ बिगेस्ट पॉजिटिव कमबैक. मतलब बिगेस्ट कमबैक था उसका. इवन आई थॉट दैट आई हैड डाउट्स ऑन भुवनेश्वर कुमार परफॉर्मेंस बिकॉज़ ही वाज कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग लेऑफ एंड ऐसा हो रहा था कि बहुत इंजर हो रहा था बीच-बीच में. तो मालूम था मतलब एक्सपेक्टेड था कि अच्छी बॉलिंग करेगा बट आई वाजंट एक्सपेक्टिंग हिम टू स्विंग लाइक दैट. यू नो ही वाज स्विंगिंग बोथ द लाइक स्विंग आउट स्विंग. तो कल का अगर पहला ओवर देखेगा तो उसने क्या बॉलिंग किया मतलब मजा आ गया देख के. तो दैट वाज वन बिग पॉजिटिव दैट यू नो भुवनेश्वर कुमार इज बैक. इज नॉट जस्ट बैक बट इज ऑल्सो स्विंगिंग द बॉल. दैट इज रियली अ बिग पॉजिटिव. ओके सो थिंग यू मेंशनड दैट टू ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स कमिंग on the field. So, वो वाला side देख के childhood का fond memories वापस आया सचिन एंड सेवाग का. कैसे witness कर लो ये greatness when you can because after some years मेरे को नहीं लगता कि ये देखने मिलेगा. तो मुझे लगता है ये sight है ना हमें मतलब देखना चाहिए cherish करना चाहिए appreciate करना चाहिए. तो तूने जो चीज बोला ना कि वो जो देख के intimidate होना चाहिए opposition captain तो बहुत सही है और true है. मतलब ऐसा ये साइट वापस कभी देखने मिले पता नहीं ऐसा मोमेंट था वो. हाँ मतलब अलग ही इमोशन है वो दोनों को. हाँ एग्जैक्टली रोहित विराट डो इन करंट क्रिकेट मुझे उससे बेटर डो फाइंड करके बता. ये बेस्ट डो रहेगा मुझे तो लगता है. बेस्ट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लगता है. आर्ग्यूएबली यस ग्रेटेस्ट. और अभी तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि इनके ये दोनों से ऊपर कोई अगर व्हाइट बॉल पे है तो आई डाउट कोई मतलब कोई है. और यस दे शोड अ ग्लिम्सेस ऑफ सचिन सेवाग. मतलब वो मतलब वी डोंट वांट टू कंपेयर बिकॉज़ दीस आर टू. कंपेयर करना राइट नहीं बट ऐसे वो हमारे बचपन में जुड़ी हुई है ना चीज तो फिर रिलेटेबल हो जाता है. एंटरटेनमेंट जो सचिन सेवाग देते थे वैसा एंटरटेनमेंट था तो वो एग्जैक्टली मजा आता है. जैसे सेवाग पहले बॉल से माना जाता था रोहित शर्मा प्लेड अटैकिंग क्रिकेट एंड थोड़ा सचिन जैसे ये है विराट को थोड़ा संभाल खेला बट वंस ही गॉट सेट देन वो भी चालू हो गए. एंड तक खेला वो. अच्छा व्हाट आर योर थॉट्स ऑन मतलब क्या लगता है तुझे ओपनिंग कॉम्बिनेशन डू यू थिंक वी शुड परसिस्ट विद रोहित विराट. मतलब तेरा क्या कहना है क्या होना चाहिए अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्योंकि अभी तो भाई
आते ही जा रहे ओपनिंग कॉम्बिनेशन सब में तो क्या मुझे लगता है विराट इज मोर रिलैक्स्ड टू हैव आफ्टर हैविंग सूर्य कुमार यादव एट नंबर 3 पोजीशन. तो मुझे लगता है अभी वो ज्यादा फ्रीली खेल रहा है और वो ओपनिंग में मतलब चांस ले सकते हैं ओपनिंग में आने का. मतलब वो और रोहित एंड विराट ओपनिंग द बैट्समैन, डाउन द ऑर्डर यू हैव सूर्य कुमार यादव हु ऑल्सो कैन प्ले रेस्पॉन्सिबली एट द सेम टाइम एक प्ले अटैकिंग शॉट्स एंड गैप्स बहुत अच्छे से ढूंढ लेता है वो. तब वो बोल सकते हैं इंडियन मिस्टर 360 डिग्री हो, तब कहाँ भी ग्राउंड के हर कॉर्नर पे वो मार सकता है. एंड बाद में आते ऋषभ, फोर नंबर मुझे लगता है ऋषभ पंत ही खेलना चाहिए बिकॉज इट इज गुड टू हैव वन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन टॉप फोर. तो फोर नंबर ऋषभ पंत ही आना चाहिए एंड फिफ्थ पे देन श्रेयस अय्यर एंड बाद में हार्दिक पांड्या, ऐसा अपना बैटिंग ऑर्डर है. सो मुझे लगता है इन दोनों आने चाहिए बट गोइंग इन टू वर्ल्ड कप मुझे लगता है उन लोग स्टार्ट केएल राहुल से करेंगे, ऐसा मेरा पर्सनल फीलिंग है. मुझे लगता है कि उसको इतना जल्दी मतलब चांस देंगे एक दो मैच में स्टार्टिंग के वर्ल्ड कप के, बिकॉज ही डिजर्व्स दैट चांस. और रोहित शर्मा ही बोला ना उसके इंटरव्यू में कि मे बी राहुल को हम लोग देख रहे ऐसा ओपनिंग, ये तो टैक्टिकल मूव था सिर्फ ये वाले डिसाइडर के लिए. सो मुझे लगता है कि स्टार्ट उन लोग रोहित एंड राहुल से करेंगे बट देन फिर नीचे मिडिल ऑर्डर में पूरा भेल बन जाता है, गुफा हो जाता है, पता नहीं कौन किधर. वन डाउन तो फिर कोहली आएगा, फिर फोर नंबर पे पंत आएगा, फिर देन यू हैव टू चूज बिटवीन अय्यर एंड सूर्या. एंड आई थिंक सूर्या इज टू गुड टू लीव आउट, मतलब उसको मतलब टू गुड अ बैट्समैन है कि टीम से बाहर रखा जाए. दोनों को नहीं ले सकते मतलब सूर्या और हां, तो फिर व्हाट देन यू डोंट हैव सिक्स बॉलिंग ऑप्शंस, ऐसा हो जाता है वंस जडेजा इज बैक इन द टीम. एंड ऑल्सो मतलब तेरे को 6 बॉलिंग ऑप्शंस लगेंगे अभी तो वो दोनों ने परफॉर्म कर लिया. जिस दिन कोई जल्दी आउट हो गया या दोनों आउट हो गए फॉर एग्जाम्पल इससे 2 विकेट गिर गया, उस दिन फिर देखने जैसा है कि होता है क्या. क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि अपन मतलब अपने को ऐसा अच्छा लगता है जब वो दोनों खेलते हैं, ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन, द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल एंड ऑल दैट एंड इंडियन क्रिकेट इज एट टॉप ऑफ द पिनेकल. तो वो ऐसा लगता है कि हाँ मस्त है, अच्छा चल रहा है, अपनी मस्त लाइफ है, जीतेगा वर्ल्ड कप. बट जिस दिन वो दोनों नहीं खेले तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा अनटेस्टेड. इट इज अ गुड ऑप्शन टू हैव मूविंग फॉरवर्ड. और मेरे को ऐसा लगता है विराट कोहली को भी वो एज अ चैलेंज, उसने कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतना सेम खेल खेल के पक जाते हैं यार, मतलब वो 3 पे आके मेरे को लगता है पक गया अभी. तो उसके लिए भी एज अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू उसके करियर के लिए भी एक बोलते ना कि नया चैलेंज है. तो कभी कभी व्हेन यू आर अ सीनियर और ऐसा कुछ नया रोल आता है ना टीम में तो चैलेंजिंग लगता है, मजा आता है. तो कल मेरे को ऐसा मतलब व्हेन आई वाज वॉचिंग हिम मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा एंजॉय कर रहा था ज्यादा एज कम्पेयर टू व्हेन ही कम्स एट 3. एवरी शॉट ही वाज लिटरली यू नो ही वाज चीयरिंग फ्रॉम द अदर एंड. तो मेरे को ऐसा लगा उसको मजा आ रहा था वो करने. तो मेरे को वो देख के ऐसा लगा कि इफ ही इज एंजॉयिंग एंड इफ द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स कैन प्ले अराउंड हिम तो एक अच्छा ऑप्शन है कि ही कैन कम अप एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर. बट अगेन एज आई सेड यू नो इट्स टू अर्ली टू कमिट, देखते कैसा. बट उसने कॉन्फ्रेंस में ये किया ना, बोला कि ही विल ओपन फॉर आरसीबी, मतलब तो पता नहीं उस दिमाग में क्या चल रहा है. मे बी ही वुड बी थिंकिंग ऑफ ओपनिंग वर्ल्ड कप, मतलब वो रेडी प्रिपेयर हो रहा है कि ओपनिंग भी कर पाए एंड वन डाउन भी खेल पाए, मुझे ऐसा लग रहा है. उसका आरसीबी पे ओपनिंग करने का मुझे लग रहा है वो ही मोटिव है कि ही वांट्स टू गेट यूज्ड टू दैट रोल, फ्लेक्सिबल हो सके. तो वो सही चीज है, मतलब सही है वो. ओके लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड. अभी बहुत इंडिया हो गया तो मुझे ये इंग्लैंड का जो बैटिंग लाइनअप है ना, उन लोग भी भेली बना रहे, मतलब उनका भी पता नहीं, उन लोग मुझे बहुत रिजिड लगते हैं, थोड़ा चेंजेस करना चाहिए. इतना भी मतलब there is you need stability in your side but bahut hi rigid hai, matlab thoda Ben Stokes ko to 6 pe khilana mujhe senseless lagta hai kyunki wo mere hisab se they should play Joe Root because Joe Root pehli baat to he is a good player of spin aur wo aise Indian pitches ko khelta acha khelta 30 40 maar dega kuch nahi to and he is similar to what Virat Kohli wo anchor karega iske liye aur baki log aaju aaju khel sakte hain. mujhe aisa lagta hai David Malan hai na beech mein jo hai na acha player hai no doubt. बट मुझे ऐसा लगता है जो रूट चाहिए वहां, क्योंकि जो रूट एक तो बैटिंग अच्छा करेगा, दूसरा वो बॉलिंग देगा, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन देगा. तो अकॉर्डिंग टू मी दे नीड जो रूट एट 3 एंड बटलर इज अ गुड प्रोस्पेक्ट टू हैव एज एन ओपनिंग बैट्समैन.
बट उन लोग है ना एक राइट हैंडर मिस कर रहे हैं, एक फिनिशर मिस कर रहे हैं उन लोग छह पे सात पे, जो जो पहले बॉल से आके सिक्स फोर मारे ना वो उन लोग मिस कर रहे हैं। तो मुझे वो लगता है कि ना बटलर हाँ अच्छा है, टॉप ऑफ द ऑर्डर मस्त प्लेयर है, अच्छा खेलता है, बट उनके बैलेंस के हिसाब से इट्स नॉट रियली वर्किंग, दे नीड बटलर मोर एट सिक्स। मैंने प्रीव्यू में बोला था कि नहीं टॉप पे खेलना चाहिए, बट आफ्टर वॉचिंग द सीरीज या तो फिर तुम उसको ड्रॉप ही कर दो उसकी जगह पे बेस्ट ये इसको खिलाओ बेन स्टोक्स को, लेकिन फिर वो वापस लेफ्ट 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 पहली बार ऐसा देखा कि लेफ्ट इतने लेफ्ट हैंडर्स है कि पक ही गए उन लोगों ने क्या कर देगा। तो तुझे क्या लगता है क्या उनका बैटिंग ऑर्डर रूट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं मुझे ये कॉन्ट्रेडिक्टरी है मेरा ओपिनियन इस पे कि मुझे लगता है जो रूट का जगह बनता है टी20 में अभी बिकॉज उन लोग अभी ऐसा बैटिंग लाइनअप हो गया है ना उनके पास अभी लिविंग स्टोन भी है जो ये है बैकअप में ऑप्शन स्ट्रेंथ में हाँ जो और स्पिन भी डालता है उसको स्पिन का भी ऑप्शन दे देता है तो वो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है मतलब टॉप थ्री पे खेल सकते हैं तो मुझे लगता है जो रूट का जगह बनता है। जबकि हाँ तू जो बोला फिनिशिंग के बाद हाँ मैंने प्रीव्यू में बोला था कि बटलर डाउन द ऑर्डर पे खेल सकता है एंड बटलर स्टोक्स वुड बी लाइक युवराज धोनी फॉर देम मतलब वो कॉम्बिनेशन उनके लिए हो जाएगा दे वुड फिनिश मैचेस फॉर देम और मुझे हाँ क्योंकि बेस्ट ऑफ वेस्ट जा रहा है चार पे मुझे लगता है क्योंकि वो ऐसा है कि आके पावर गेम खेलने आता है बट बन में वो पावर गेम में ऐसा है कि हाँ नहीं जमता है फिर आउट हो जाता है वो थोड़े रन बनाता है एक दो मार लेता है फिर बन में आउट हो जाता है वो इनइफेक्टिव लग रहा है हाँ वो इनइफेक्टिव लग रहा है चार पे मुझे बिकॉज वो इतना स्पिन का चेंज नहीं खेलता जितना बटलर खेलता है तो मुझे लगता है ओपनिंग बेस्ट ऑफ से कराना चाहिए बिकॉज आपने देखा है एसआरएच में बेस्ट ऑफ में जो ओपनिंग करता है तो फिर हमें 100 भी मार के जाएगा इससे इतना फास्ट खेल के जाता है वो तो मुझे लगता है ओपनिंग उनको बेस्ट से कराना चाहिए एंड बटलर देन डाउन द ऑर्डर स्टोक्स के साथ खेल सकता है और फिर उसके थोड़ा राइट एंड लेफ्ट एंड कॉम्बिनेशन भी हो जाएंगे। कल भी तुम देखा रहेगा कल भी तुम देखा रहेगा उनके इतने लेफ्ट हैंडर है बेचारे सैम करन को दे डिडंट गिव बैटिंग ओनली उसको 8 नंबर पे भेजा और उसके बाद क्रिस जॉर्डन आया पर क्रिस जॉर्डन क्या है मतलब उसको कौन सा हिटर है वो कौन सा हिटर है एक बार आर्चर उसको एक आर्चर को उसके पहले भेजा तो समझ सकता हूँ जो इसके बाद बेन स्टोक्स के बाद तुमने इसको भेज दिया क्रिस जॉर्डन को भेज दिया वो सैम करन ने फिर जो गुस्सा निकाला लास्ट ओवर में शार्दुल ठाकुर को से जो 3 6 मारा है उसने बता दिया भाई क्या मतलब तुम समझ के क्या रखो मेरे को फीलिंग नहीं मैं इधर इंडिया कितना यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं अपने ऑर्डर उनको चांस देने के लिए और तुम इधर दबा रहे हो यंगस्टर को तुम नीतू नीचे जाते हो मतलब तू 8वें बैटिंग तक सर ये क्या मुझे लॉजिक समझा नहीं बॉलिंग भी नहीं दिया हाँ एग्जैक्टली बिकॉज ही बॉल्ड रियली वेल इन फर्स्ट टू टू टी20s उसने बहुत अच्छा बॉल्ड उसका वेरिएशन अच्छा था स्लोअर वन एंड वो एक ये भी देता है लेफ्ट हैंड बॉलर है वो थोड़ा ये भी देता है चेंज भी देता है वॉक कटर डालेगा तो क्या राइट ही हाँ, पड़ेगा एग्जैक्टली हमारे पास जॉर्डन को देते जा रहे जबकि उसको इतना फेल रहे फिर भी देते जा रहे पता नहीं लगता उसका ईसीबी का कुछ सीक्रेट है इसके लिए उसको खिला रहे अरे मतलब पहले अच्छा बोला है किस बात का टी20 स्पेशलिस्ट है वो मतलब सिर्फ पेस में डालता है ठीक है बट लाइन एंड लेंथ मुझे लगता है मतलब फील्डिंग के लिए लेता उसको क्या मतलब राइट बोला कुछ सीक्रेट जरूर होगा उसको क्यों ले रहे भाई इतना चांस क्यों दे रहे टॉम कुरन ने तो तुमको तुमने एक चांस दिया उसको एक मैच में मार पड़ी उसको निकाल दिया टॉम कुरन को क्रिस जॉर्डन को तुम खिलाते जा रहे हो सीरीज भर सीरीज भले जो इतना ही मार खाए उसके बोले मोइन अली को चांस दो भाई ठीक है क्रिस जॉर्डन नहीं चल रहा तो मोइन अली को दो तुमको टॉम कुरन को वो इंडिया क्या क्यों आया वो बोलेगा मैं वापस क्यों आया क्वारंटाइन में रखे इंडिया इतना में इंग्लैंड में उनका एक्चुअली बुरा टैलेंट वेस्ट कर रहा है वो टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं उन लोग मोइन अली का उन लोग को बुरा लगा है कि इतना पैसा कैसे मिल रहा है इसको आईपीएल खेलने का साले को तो अब इसको खिलाएंगे नहीं तो अभी आईपीएल ही खेल बोला ठीक है उन लोग को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का सीरीज आ रहा है टेस्ट सीरीज तो मोइन अली ने तो मना कर दिया बोला आईपीएल खेले बराबर है नहीं खेलना चाहिए उसको इतना बेचारे को टेस्ट सीरीज में चांस नहीं दिया जबकि उसने अच्छा परफॉर्म किया था इंडिया के अगेंस्ट बट आई थिंक ही आस्क्ड फॉर दैट क्वारंटाइन लीव मतलब
उसने कुलदीप यादव का पूरा कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया उसके बाद से उसको बेस्ट ऑफ वेज जा रहा है मिडिल ऑर्डर में एंड बटलर को बेन स्टोक्स एंड डाउन द ऑर्डर खेलना चाहिए मतलब बेन स्टोक्स ऊपर खेलना चाहिए बटलर के एंड बटलर कैन प्ले एट सिक्स सो बट उसका एक्सपोज हो गया ये सीरीज में टेक्निकल फ्लॉ वो स्विंग नहीं खेल पाता ना स्पिन खेल पाता इतना अच्छे से सिर्फ उसको पेस अच्छा खेलेगा ब्रिलियंस ऑफ भूवी रे वो अपन ऐसा टेक्निकल वो तो है वो तो है कि वो भूवी ने उसको जो बनाया फर्स्ट बॉल कल का तो देखिएगा फर्स्ट आउट स्विंगर था जैसे स्टेप द भूवी सेटअप मस्त किया उसको हां लास्ट मोमेंट को चेंज कर देता है तो वो उधर फिर फंस जाता है तो अपन बोल नहीं सकते कि अच्छा मूविंग ऑन Five bowling strategy. Do you think it is good for India? Five bowler strategy. बहुत risky move लग. Risky. बहुत risky. मुझे लगता है वो भी एक impulse decision था कि third second ODI में जीत गए five bowling options. So they thought that जीत रहे हैं everyone is bowling well तो जाते पांच के साथ ही but then fourth T20 तक आने तक उनको realize हो गया मुझे पता नहीं उनको पहले realize क्यों नहीं हुआ this is such a common sense कि चार every time five bowlers won't be having good day जैसे पढ़ने किसी ना किसी को पढ़ने वाली है कल सुंदर को पढ़ी एंड थर्ड में फोर्थ T20 में सुंदर को बहुत मारा सो इट्स ऑलवेज सेफ टू हैव सिक्स बॉलिंग ऑप्शन एंड वी डोंट हैव दैट लग्जरी इन टॉप फाइव कि कोई बॉलिंग करे जैसे दूसरे को टीम के पास हो सकता है सो मुझे लगता है हमेशा वी शुड गो विद सिक्स बॉलिंग ऑप्शन इवन इफ यू हैव टू सैक्रिफाइस वन बैट्समैन एक ऑलराउंडर खिला सकते हैं बैटिंग में संभाल लेते हैं बिकॉज इट्स इवेंचुअली बॉलर्स हु वुड विन मैचेस फॉर अस एक बार अपन टारगेट गुड टोटल सेट कर देंगे बोर्ड पे बट देन इट वुड बी बॉलर्स हु वुड विन अस मैचेस इवन इफ यू आर बॉलिंग फर्स्ट देन इट वुड बी बॉलर्स हु वुड रिस्ट्रिक्ट द ओपोनेंट टू अ कंपेटिटिव टोटल और अ डिसेंट टोटल इनफैक्ट जो अभी लास्ट मैच वाला जो टीम था ना वो रहना चाहिए वो ही होना चाहिए एक्चुअली या करेक्ट सिक्स बॉलिंग ऑप्शन होना ही चाहिए तो टॉकिंग अबाउट ओडीआई सो तेरे को क्या लगता है मतलब क्या कैसा था अभी सिलेक्शन आया है स्क्वाड इज आउट फॉर ओडीआई तो कैसा स्क्वाड सिलेक्शन हाउ इज स्क्वाड सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू यू अच्छा था काफी मतलब कृणाल पांड्या हैज डन वेल इन विजय हजारे ट्रॉफी उसका सिलेक्शन बनता था बट मुझे ऐसा लगता है पहली बात तो ओडीआई रहना ही नहीं चाहिए था क्यों है ओडीआई क्योंकि 2023 में वर्ल्ड कप है तो अभी ये जो टाइमलाइन चल रहा है ना ये साल का उसमें ओडीआई क्यों है पता नहीं ऐसा लगता नहीं वो ऐसा ही पूरा टूर है इंग्लैंड का पूरा सब पूरा टूर करके जा रहे हैं ऐसा है हां तो ओडीआई है भी तो भी उसमें भी विराट एंड रोहित आर प्लेइंग तो मुझे वो थोड़ा एग्जैक्टली मुझे लगता है कि विराट ऐसा सीनियर प्लेयर थोड़ा रेस्ट लेने दो थोड़ा नहीं चलना हां सूर्या एंड केएल राहुल ऐसे प्लेयर्स को चांस दो थोड़ा और ऑलरेडी अपने पास कंफर्टेबल विद देयर गेम पृथ्वी शॉ 800 रन कुछ उसने मारा करंट उसमें विजय हजारे ट्रॉफी एक बार उनको ले लिया तो फिर लगता है कि चांस दे रहे हैं वापस निकाल दिया कुछ सिग्निफिकेंस नहीं लग रहा मुझे अभी ओडीआई ठीक है
अभी सीनियर प्लेयर रेस्ट लिया तो बेंच स्ट्रेंथ भी इतना है ना, तो उन लोग खेल लेंगे ऐसा है अभी। और एडिशनल में लगता है स्क्वाड में और किसको लेना चाहिए था, मेरे को लगा इट्स गुड इनफ कि सूर्या को ऐड किया, देन प्रसिद्ध कृष्णा बॉलर, विराट रोहित खेलने की जरूरत नहीं थी, धवन भी है वैसे। हाँ धवन है, कितने सीनियर्स थे और बस हो गया, लेट केएल राहुल लीड द साइड और मे बी लेट इसको ऐसे लीड द साइड, एक ग्लिम्स मिल जाएगा कि आगे फ्यूचर में क्या कि फील भाई नहीं एग्जैक्टली तीन साल वाले ये भी खेलने वाला है, तो वी नीड समबडी लाइक हिम इन द फ्यूचर, वो तो मिलने वाला है नहीं अलग बात, बट धोनी या एग्जैक्टली धोनी हेड रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, विराट कोहली दोनों कितना है उसके अंडर जो आगे लेके जा सके इंडियन क्रिकेट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है बट डिपेंडेबल ऐसे एक प्लेयर चाहिए। विराट कोहली मैच जीता के आता था, एक बार गया क्रिस पे तो मैच जीता के आता था, या फिर मैच इनिंग नॉक खेल के आता था, तो ऐसे प्लेयर विराट के अंदर अभी डाउट है कि कोई एक मैच खेल जाता है दूसरा नहीं खेल पाता, तो ऐसा बोल सके धोनी हैड रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, बट विराट कोहली नाउ हैज पता नहीं कौन है नेक्स्ट सक्सेसर। चलो कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड करने की जरूरत नहीं है ऐसा, ठीक है देखेंगे ओडीआई सीरीज मालूम नहीं, मैं तो मूड पे अच्छा ठीक है वो जितना ही बोले, बट जिस दिन मैच होता है उस दिन फिर ऐसा ही क्रिकेट इंडियन फैन भी लुक इन ट्विटर और ऐसे हाइप बना देते ना सब सोशल मीडिया पे, उनका ट्रेनिंग सेशन बता के सब बता के तो देखने का मन हो जाता है। उसमें विराट कोहली रोहित को दिखाते रहते क्या जानबूझ के हर क्लिप्स, क्या तुम कितना पीआर करोगे दोनों को लेकर, को तो दिखाओ अभी क्या श्रेयस अय्यर को तो बेचारे को भाव ही नहीं देता, अच्छा प्लेयर है किसको श्रेयस अय्यर को, उसका क्लिप दिखाओ कभी कभी, ये ऋषभ पंत वगैरह क्रिप दिखाओ, खाली रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम पे सब बेचते हैं, ब्रांड है ब्रांड दोनों ब्रांड। हाँ तो सूर्या को भी दिखाई, सूर्या भी ऐसा वो बोलते हैं पब्लिक हॉट टॉपिक है ना, पब्लिक फेवरेट है इंडिया में ऐसे चलता, पब्लिक फेवरेट जो रहेगा ना उसको दिखाते, फिर उसको नहीं लिया ना तो मोशन बेस्ड है भाई सब भावना के साथ खेलते हैं। अरे बाप एक मैच हारे नहीं की जो निकाल दो कैप्टनशिप से बराबर नहीं के इतने ओपिनियंस देंगे जिससे इनको ही बिठाना चाहिए रवि शास्त्री की जगह। अरे रोहित शर्मा कल आपने बोला ना कि हम लोग बाहर का सुनते ही नहीं, क्योंकि अगर बाहर का सुनने बैठे एग्जैक्टली नेगेटिविटी आ जाएगी टीम में बहुत, जैसे केएल राहुल दो मैच नहीं खेला तो देयर वाज सो मच क्रिटिसिज्म, मतलब केएल राहुल तो भाई कितना क्लास प्लेयर हो, और तुम थोड़े सीरीज पहले तुम उसकी इतना तारीफ कर रहे थे, मतलब उसको इधर रख रहे थे और अचानक उसका ऐसे कि तुम निकल रहे हो, ट्रोलिंग नहीं पसंद है, ट्रोलिंग मत करो तुम, क्रिटिसिज्म करो, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म गुड टू हैव ओपिनियन बट ऐसे हां ये कंट्रोवर्सी मत करो, ग्रेट ट्रोलिंग करके देन यू क्रिएट ऑल दीज हाइप इन दी सोशल मीडिया, और ऐसा है कि प्लेयर इग्नोर करते हैं बट एट सम पॉइंट उन तक भी वो पहुंच जाता है, और एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगे भी आजकल, ऐसा हो गया इंडियन एक्सपोर्ट तो ज्यादा ही ये कुछ भी तो बस जजमेंटल बहुत हो गए। एक को तो बराबर जवाब दिया था जडेजा ने, ऐसे अभी और एक दो जन बोला तो ऐसे देना चाहिए जवाब, बस हो गया तो हैड इनफ ऑफ योर डायरिया, जडेजा को मत कर दो खतरनाक कैरेक्टर, अरे नहीं है ना ओडीआई सीरीज में भी वो ओडीआई में नहीं है, वो रहता तो देखता मैं क्योंकि वो अलग ही कार्टून, अभी से आईपीएल में देखने मिले ना उसको, सीधा आईपीएल में खेलेगा मजा आएगा, ट्रेनिंग चालू कर दिया उसने मजा आता है, ट्रेनिंग चालू कर दिया हां उसका वीडियो देखा था। अरे मैंने तो वीडियो देखा था, वो किधर घूम रहा था वाइल्ड लाइफ, किधर तो गया था किधर तो नहीं, ट्रेनिंग चालू कर उसने, हां अलग ही उसका पार्ट था, अलग ही है वो, उसको पार्ट लेना देना नहीं, रॉ टैलेंट है बहुत एकदम, राजपूत असली राजपूत है, बट व्हेन ही विल कम बैक तो अपना अलग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा टीम यार, मजा आएगा जीतेगा, ये टाइम तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा अंदर से, खाली सिलेक्शन का सीन है बाकी तो, ये टाइम ये जो बेस्ट टीम का जो है ना बेस्ट टीम का नाटक करते हैं, जस्ट जस्ट भाव ही नहीं दे रहे हम बेस्ट टीम ऑफ चल ठीक है ठीक है।